नमस्कार दोस्तों मैं डॉक्टर संजय सर वेलकम करते हैं बच्चों एन एकेडमी यू हिंदी चैनल पर बच्चों चार अक्टूबर को यू एग्जाम होने वाला है जिसको ध्यान में रखकर आप लोगों के लिए आर्ट एंड कल्चर का एक रिवीजन क्लास लेना चाह रहे हैं बच्चों इस क्लास में जितने भी अभी तक के क्वेश्चन आए हुए हैं बैक ईयर में उन सारे क्वेश्चन को एक बार पुनः जो है आपको रिवाइज कराना चाहूँगा क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि पिछले क्वेश्चन भी रिपीट होते हैं हालांकि यूपीएससी में बहुत कम रिपीट होते हैं बच्चों लेकिन अगर आप पिछले क्वेश्चन को रिपीट करेंगे तो उससे कहीं कही ना कहीं आपको कुछ लाभ या फायदा मिल सकता है ठीक है तो चलिए रेडी हो जाइए फटाफट -फड़ जो है बच्चों और क्लास से जुड़ने की कोशिश करिए लाइक एंड शेयर करिए लाइक एंड शेयर करिए बच्चों फटाफट -फड़ जो है लाइव हो जाइए विजय यादव गुड आफ्टरनून बेटा गुड आफ्टरनून ठीक है चलिए क्लास को शुरू करने से पहले थोड़ी सी जानकारी आपको देना चाहेंगे कि कौन कौन सी क्लासेस अभी हमारी चल रही है पर बच्चों तो अनकेडमी पर अभी जो क्लासेस हमारी हैं उसको आप देख सकते हैं कि दो स्पेशल क्लासेस हमारी अभी कंटिन्यू है जिसको आप जो है अनकेडमी लर्निंग ऐप पर आप देख सकते हैं ये दोनों क्लासेस ये दोनों क्लासेस अनडमी लर्निंग ऐप पर होती बच्चों उसमें से एक क्लास मॉर्निंग में दस एम पर होती है अभी यहाँ पर मिडुअल हिस्ट्री आपका हो रहा था मिडुअल हिस्ट्री एन बेस्ड मिडुअल हिस्ट्री यहाँ पर पढ़ाया जा रहा था ठीक है तो अब इसके स्थान पर बच्चों यहाँ पर दस एम पर आपका रेगुलर एडिटोरियल हिंदी एडिटोरियल इस क्लास में शुरू होने वाला है एक तारीख से हिंदी एडिटोरियल क्योंकि अभी तक आपको पता है कि इंग्लिश न्यूज़पेपर के बहुत सारे एडिटोरियल आप पढ़ते हैं लेकिन हिंदी में भी बहुत सारे ऐसे न्यूज़पेपर हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं तो 10 ए एम से आपका हिंदी एडिटोरियल की क्लास लगेगी 1 सितंबर से ठीक है 1 सितंबर से बच्चों और ये क्लास आपकी यूट्यूब पर होगी ठीक है ये क्लास आपकी यूट्यूब पर होगी ठीक है ध्यान रखिएगा इसके बाद दूसरी क्लास अनकेडमी लर्निंग ऐप पर रात को 10 बजे होती है जहां पर प्रैक्टिस सेशन हो रहा बच्चों मॉडल क्वेश्चन पेपर कराया जा रहा है मॉडल क्वेश्चन पेपर यहाँ पर हो रहा है तो जो बच्चे चार अक्टूबर को एग्जाम में अपीयर हो रहे हैं उनके लिए काफी बेनिफिशियल क्लास है ये और इस क्लास को आप देख सकते हैं लर्निंग ऐप पर जाकर हाँ, अगर आप प्लस प्लेटफॉर्म पर आते हैं बच्चों तो प्लस प्लेटफॉर्म पर आपको मॉडर्न हिस्ट्री मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से कंप्लीट आपको मिल जाएगी मॉडर्न हिस्ट्री कंप्लीट है और मॉडर्न हिस्ट्री के अतिरिक्त आपको वर्ल्ड हिस्ट्री अभी वर्ल्ड हिस्ट्री की बैस बच्चों आज से स्टार्ट होनी है पच्चीस तारीख से आज से न्यू और फ्रेश बैच स्टार्ट होनी है तो जो बच्चे अभी तक एडमिशन नहीं लिए हैं ठीक और 2021-22 में या 23 में अपीयर होना चाहते हैं यूपीएससी में उनके लिए एक बेहतर मौका है नई बैच ज्वाइन करने का और आपको ये पता है कि अनकेडमी अपने फीसेस को बढ़ाने की अनाउंसमेंट कर चुकी है तो जल्द से जल्द जो है आप अपने कोर्स को परचेज कर लीजिए ताकि आप बेहतर तैयारी यू के लिए कर सकें बच्चों आर्ट एंड कल्चर भी ये कम्प्लीट हो चुका है बच्चों इसकी कुछ क्लासेज बची हुई हैं जो आपको मिल जाएंगी तो आर्ट एंड कल्चर ये क्लास भी चल रही है और इसके साथ साथ अगर आपको प्लेटफॉर्म पे जुड़ना है तो कैसे जुड़ना है उसके विषय में आप जान लीजिए कि दो तरह के कोर्सेज आपको मिलते हैं बच्चों पर एक प्लस और दूसरा आइकोनिक ठीक दोनों में आप कंप्लीट तैयारी पाते हैं यानी प्री मेंस इंटरव्यू तीनों कंप्लीट तैयारी आपको मिलती है चाहे प्लस आप ज्वाइन करें चाहे आइकोनिक ज्वाइन करें ठीक है फिर अंतर ही दोनों में क्या है क्या डिफरेंस है दोनों में बच्चों तो डिफरेंस जो है उसमें यह है कि प्लस जो है ये नॉर्मल सब्सक्रिप्शन है बच्चों नॉर्मल सब्सक्रिप्शन है और आईकोनिक में क्या है कि यहां पर आपको एक कोच भी मिलता है जैसे आप जब एडमिशन लेते हैं तो आप एक तो आप हमारे थ्रू अगर आते बच्चों हमारे रेफरल कोड के थ्रू आएंगे रेफरल कोड हमारा एसके वाई लाइव है अगर हमारे रेफरल कोड के थ्रू आते हैं तो आप हमारे गाइडेंस में वर्क करेंगे और साथ साथ दस परसेंट का आपको छूट भी मिलेगा ठीक तो रेफरल कोड आप हमारा यूज करेंगे बच्चों तो आप न केवल हमसे ही बल्कि जितने भी टॉप एजुकेटर एनअकेडमी के हैं सबसे आप पढ़ सकते हैं ठीक है भले आप हमारे कोड के थ्रू आ रहे हैं लेकिन सुविधाएं है, आपको सभी एजुकेटर की मिलती हैं और यही अदर एजुकेटर में भी लागू होता है ठीक लेकिन आइकोनिक में आपको एक अतिरिक्त जो है क्या मिलता है कोच मिलता है जो आपको पूरी तरह से एक गार्जियन की तरह ट्रीट करता है आपकी हर समस्या का समाधान वो कोच आपके साथ करता है बच्चों हमेशा उपलब्ध होता है आपके लिए वो तो यह सुविधा आइकोनिक में है और अगर आइकोनिक आप लेना चाहते हैं तो आइकोनिक में टेन परसेंट डिस्काउंट के साथ अगर आप दो साल का आइकोनिक कोर्स लेते हैं तो टेन परसेंट डिस्काउंट के बाद एटी नाइन थाउजेंड वन हंड्रेड का ये कोर्स पड़ेगा और ये आपको पता है ये कोड हमारा एस के वाई लाइव है इसको अप्लाई करने के बाद आपको टेन परसेंट का डिस्काउंट मिलेगा और साथ साथ हमसे जुड़ने का मौका भी मिलेगा बच्चों फिफ्टी सेवन थाउजेंड सिक्स हंड्रेड ये आपका वन ईयर का आइकोनिक कोर्स है और टू ईयर का जो प्लस कोर्स है बच्चों प्लस कोर्स भी टेन परसेंट डिस्काउंट के बाद फिफ्टी सेवन थाउजेंड सिक्स हंड्रेड में दो साल का प्लस कोर्स मिल जाएगा और वन ईयर के लिए थर्टी नाइन थाउजेंड सिक्स हंड्रेड पे करना होगा तो जो भी आपके लिए कैपेबल हो बच्चों आप कोर्स को परचेज कर सकते हैं हाँ लेकिन ये पता है कि विदाउट गाइडेंस आप जो है आप लिए एग्जाम काफी टफ हो जाता है तो गाइडेंस सबसे इंपॉर्टेंट रखता है बाकी चीजें तो आपको हर जगह मिल जाएंगी ठीक है आइकोनिक पे अगर आप आते हैं या प्लस प्लेटफॉर्म पर आते बच्चों तो आपके लिए एक बेहतर तरीके से आपको प्रिपेयर किया जाता है जीरो बेस से आपकी शुरुआत होती है और सिलेबस को एक बेहतर स्ट्रेटजी के थ्रू जो है आपको कवर कराया जाता है ठीक है तो कोड आपकी शुरुआत मेन्स एग्जाम से होती है कोड हमारा आपको याद रहना चाहिए बच्चों यस के बाई लाइव हमारा कोड है जो आपको टेन डिस्काउंट देगा ठीक है तो चलिए फटाफट रेडी हो जाइए शुरू <coughs> करते हैं बच्चों आर्ट एंड कल्चर आपके यूपीएससी का, का काफी इंपोर्टेंट सेक्शन है क्योंकि यहां से काफी क्वेश्चन आता है बच्चों माहिर आचार्य सूर्या ज्योति अन लोगों को भी बच्चों लाइव करिए बाकी लोगों को भी क्लास से जोड़िए क्योंकि सूचना नहीं मिल पाई थी सभी लोगों को मनीषा गुड आफ्टरनून सभी को हमारी तरफ से ग्रुप में आप लोग शेयर कर दीजिए ताकि बाकी लोग भी क्लास से जुड़ सकें आवाज क्लियर बच्चों सूरत त्यागी गुड आफ्टरनून विजय जी गुड आफ्टरनून चलिए फटाफट चलिए बच्चों क्लास को शुरू करते हैं और आज प्रैक्टिस कराना जो बैक ईयर क्वेश्चन पेपर आए हुए हैं सॉरी जो बैक ईयर के क्वेश्चन पेपर आए हैं बच्चों चलिए पहला क्वेश्चन आपके सामने है पहला क्वेश्चन बच्चों आपके सामने है निम्नलिखित पर विचार कीजिए बुद्ध में देवत्वारोपण ठीक है निम्नलिखित पर बच्चों क्या करना है विचार करना आपको ठीक है बुद्ध में देवत्वरोपण यानी बुद्ध में देवताओं की स्थापना की गई बोधिसत्व के पथ पर चलना ठीक मूर्ति उपासना तथा अनुष्ठान उपयुक्त में से कौन सी विशेषता या विशेषताएं महायान बौद्ध मत से हैं आपको पता बच्चों को महायान की दो शाखाएं हैं चलिए आंसर करिए फटाफट आंसर करिए क्या आंसर होगा इसका अर्चना पटेल गुड आफ्टरनून अखिलेश यादव जी गौतम जी चलिए फटाफट बच्चों लाइक एंड शेयर करिए क्या आंसर होगा इसका बच्चों क्या आंसर होगा इसका देखिए इसका आंसर डी आंसर होगा बच्चों क्या आंसर होगा डी आंसर होगा ठीक है इसका डी आंसर होगा माही ने आंसर किया है और आपको पता है बच्चों कि बौद्ध धर्म में दो संप दो संप्रदाय थे बौद्ध धर्म में बच्चों एक हीनयान संप्रदाय है हीनयान और महायान ठीक है हीनयान और महायान ठीक हीनयान संप्रदाय बच्चों अरहत में विश्वास रखता है ठीक जो केवल अपने दुखों को दूर करता है महायान जो है बच्चों ये बोधिसत्व में विश्वास रखता है यह किसमें विश्वास रखता है बोधिसत्व में विश्वास रखता बच्चों तो महायान बोधिसत्व में विश्वास रखता है और हीनयान जो है यह में विश्वास रखता है हीनयान बच्चों अरहत में विश्वास रखता है और महायान बोधिसत्व में तो बोधिसत्व का मतलब क्या है जरा उसको समझिए कहते महायान में एक शब्द आता है निर्वाण निर्वाण का क्या मतलब बच्चों निर्वाण का मतलब है ज्ञान या दुखों से मुक्ति निर्वाण का तात्पर्य किससे है ज्ञान की प्राप्ति से और ज्ञान का मतलब क्या है दुखों से मुक्ति दुखों से मुक्ति तो बौद्ध धर्म में महायान शाखा के अंतर्गत बच्चों महायान शाखा के अंतर्गत यह संकल्पना थी कि महायान शाखा में ये प्रावधान है कि जब कोई भी व्यक्ति जो है निर्वाण प्राप्त करता है यानी जब कोई भी व्यक्ति दुखों से मुक्त होता बच्चों तो वह क्या करता है कि स्वयं दुखों से मुक्त होने के बाद जब जैसे सपोज करिए भगवान बुद्ध निर्वाण प्राप्त किए बच्चों गया में भगवान बुद्ध जो है गया में क्या किए निर्वाण प्राप्त, तो प्राप्त करने के बाद आपको याद होगा कि उन्होंने क्या किया अपने उस ज्ञान को अन्य लोगों के बीच भी क्या किया वितरित किया ताकि अन्य लोगों को भी दुखों से क्या मिल सके मुक्ति मिल सके तो न, आपके बोधिसत्व का तात्पर्य होता है कि जब स्वयं दुखों से मुक्त होने के बाद अन्य लोगों को भी दुखों से मुक्त करने का प्रयास किया जाए यानी अन्य लोगों के दुखों को दूर करने का प्रयास किया जाए तो ऐसी संकल्पना को हम क्या कहते हैं बच्चों बोधिसत्व तो कहते हैं और यह संकल्पना आपकी महायान शाखा के अंतर्गत ही दिखाई देती है ये संकल्पना बच्चों महायान शाखा के अंतर्गत दिखाई देती है ठीक तो महायान शाखा का आदर्श ही क्या है बोधिशत है चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है अगला क्वेश्चन है किसके राज्य में कल्याण मंडप की रचना मंदिर निर्माण का एक विशिष्ट अभिलक्षण है कल्याण मंडप ध्यान दीजिएगा कल्याण मंडप ये किस मंदिर संरचना या किस वंश के मंदिरों में कल्याण मंडप की संरचना दिखाई देती है चलिए फटाफट आंसर करिए बच्चों क्या आंसर होगा इसका क्या आंसर होगा इसका भारती आर आर वी राहुल क्या आंसर होगा इसका वेरी गुड माही नहीं गलत है सूरज आपने राइट आंसर किया है अर्चना पटेल आपने भी राइट आंसर किया है देखिए बच्चों विजयनगर कल्याण मंडप मंदिर का क्या है एक भाग है जैसे प्रदक्षिणा पथ होता है वैसे ही कल्याण मंडप होता बच्चों ठीक कल्याण मंडप ये क्या है विजयनगर साम्राज्य के जो मंदिर बने हैं उसी मंदिर का एक भाग है ठीक है मंदिर का क्या है एक भाग है और कल्याण मंडप में मूल रूप से दैवीय विवाहों का आयोजन किया जाता था कल्याण मंडप में क्या किया जाता था दैवीय विवाहों का आयोजन होता था बच्चों दैवी दैवीय विवाहों का आयोजन किया जाता था कल्याण मंडप में कल्याण मंडप में दैवी विवाहों विवाहों का आयोजन होता था और ये कल्याण मंडप बच्चों अर्ध स्तंभों पर बने होते थे ये अर्ध स्तंभ पर बने होते थे ठीक है अर्ध स्तंभ पर बनते थे और ये कहां पर पाए जाते हैं बच्चों विजयनगर इसी विजयनगर साम्राज्य का शासक हुआ करता था कौन कृष्णदेव राय ठीक है चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए निम्नलिखित युग्मों पर बच्चों विचार कीजिए विनय ठाकुर गुड आफ्टरनून बेटा गुड आफ्टरनून सभी लोग एक बार आप लोग सभी लोग अपने मोबाइल में जितने भी लोग हैं सबको शेयर कर दीजिए बाकी लोगों को जानकारी नहीं हो पाई है ठीक है बाकी लोगों को भी क्लास के विषय में पता चल सके एक बार आप लोग शेयर करिए बच्चों लाइक एंड शेयर करिए चलिए चलिए बच्चों इसमें पूछ रहा है कौन सुमेलित है कौन सुमेलित नहीं है चलिए वेरी गुड हां तीन का ए सही है तीन का ए सही बच्चों पंडरपुर आपका कहां है बच्चों ये महाराष्ट्र में है पंडरपुर कहां है महाराष्ट्र में महाराष्ट्र में सोलापुर महाराष्ट्र में क्या है सोलापुर है ठीक है तो महाराष्ट्र में सोलापुर में चंद्रभागा नदी के तट पर है पंडरपुर तो इसमें तो कोई गलती नहीं है सभी लोग राइट है बच्चों ये महाराष्ट्र के पंडरपुर में है ठीक तो कोई दिक्कत नहीं ये है धार्मिक स्थल है सोलापुर में और दूसरा कह रहा है त्रिचिरापल्ली त्रिचिरापल्ली जो है ये आपके कावेरी नदी के तट पर है ये भी आपका सही है हम्पी बच्चों ये आपके विजयनगर का है हम्पी कहाँ है ये विजयनगर में है ठीक विजयनगर का अवशेष है विजयनगर के पतन हम्पी राजधानी हुआ करती थी और जब विजयनगर में है तो मालप्रभा चूंकि यहां पर नहीं बहती बच्चों मालप्रभा तो आपके महाराष्ट्र के क्षेत्र में है तो ये आपका गलत हो जाएगा ठीक है और जहां तक आपको याद होगा बच्चों हम्पी जो है किस नदी पर है तुंगभद्रा पर हम्पी जो है ये तुंगभद्रा नदी पर है हम्पी तुंगभद्रा नदी पर है जो विजयनगर साम्राज्य की क्या थी राजधानी थी तो ये गलत हो जाएगा बाकी एक दो आपके दोनों क्या है सही है ठीक है अगला क्वेश्चन सुप्रसिद्ध चित्र वणिठणी किस शैली से है सुप्रसिद्ध चित्र वणिठणी किस शैली से है बच्चों फटाफट फड़ रिवाइज करिए एक बार ये हो चुका है तो तेजी से थोड़ा सा रिवीजन करिए तेजी से रिवीजन करिए बच्चों सुप्रसिद्ध चित्र बड़ी ठणी देखिए बच्चों इसमें आपका सही है कौन बूंदी शैली बड़ी ठणी जो है ये मूल रूप से क्या है एक चित्रकला है ये मूलता बनी ठणी क्या है बच्चों ये चित्रकला है जो आपकी किशनगढ़ शैली में बनी है किस शैली में किशनगढ़ शैली में किशनगढ़ शैली में किशनगढ़ शैली किसके नाम से विकसित हुई थी या किशनगढ़ शैली को किसने विकसित किया था किशनगढ़ के राजा किशनगढ़ शैली को किसने विकसित किया किशनगढ़ के राजा थे सावंत सिंह किशनगढ़ के राजा सावंत सिंह के द्वारा ये शैली विकसित हुई थी किशनगढ़ के राजा सावंत सिंह सावंत सिंह के द्वारा ये शैली बच्चों विकसित हुई थी ठीक है और आपको पता है कि सावंत सिंह की ही सावंत सिंह की ही पत्नी थी कौन वणिठणी सावंत सिंह की पत्नी थी बच्चों कौन वणिठणी ठीक इनको वणिठणी को इनको मोनालिशा भी कहा जाता बच्चों इतना ये सुंदर प्रिंट है इसे भारत की मोनालिशा कहा जाता है वणी ठंडी को भारत की मोनालिशा कहा गया है भारत की मोनालिशा ठीक है आपको याद होगा इस ठंडी चित्र को बनाया किसने था वणी ठंडी चित्र को बनाया था बच्चों निहाल सिंह ने चित्रकार कौन थे निहाल सिंह ठीक यानी चित्र को बनाने वाले कौन थे निहाल सिंह और किस शैली में बना है किशनगढ़ शैली किशनगढ़ शैली किसने विकसित किया किशनगढ़ के राजा सावंत सिंह और इस शैली में बनी हुई जो चित्रकला है यानी वणी ठणी जो एक चित्रकला है यह चित्रकला किसकी है सावंत सिंह की पत्नी की है बच्चों ठीक है जिसे भारत की मोनालिसा कहा जाता है क्लियर हुआ कोई डाउट कोई डाउट बच्चों आगे चले अगला क्वेश्चन अगला क्वेश्चन बच्चों चलिए अगला क्वेश्चन हाँ, अगला क्वेश्चन है त्यागराज की अधिकांश कृतियां भगवान कृष्ण की स्तुति के भक्त गीत हैं चले बच्चों आप लोग करिए फटाफट तब तक हम थोड़ा सा इसको शेयर कर देते हैं चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर पांच क्वेश्चन नंबर पांच कौन सा आंसर होगा बच्चों इसमें इसमें क्या आंसर होगा रेशमा आपने राइट आंसर किया है माहिर चारिया गलत आंसर है अभी गलत आंसर है बच्चों गलत आंसर है ठीक है नहीं ये क्लास बेटा ये प्रैक्टिस सेशन है ये चार अक्टूबर जो बच्चे दे रहे इसमें दो और चार सही है ठीक है दो और चार सही है ठीक है देखिए पहली बात तो ये गलत है बच्चों अन्नमाचार्य और त्यागराज ये तो सत्रहवीं सदी के हैं ये पंद्रहवीं सदी के हैं बच्चों तो ये गलत है पहली बात तो ये समकालीन नहीं है तो ये गलत हो गया त्यागराज की अधिकांश कृतियां जो है ये भगवान कृष्ण की स्तुति में नहीं है बल्कि श्री राम की स्तुति में है किसकी स्तुति में है श्रीराम की स्तुति में है बच्चों ये राम की स्तुति में है ठीक और अन्नमाचार्य कीर्तन भगवान वेंकटेश्वर की स्तुति में भक्ति गीत है ये एकदम सही है वेंकटेश्वर ये कृष्ण थे बच्चों ठीक तो ये सही है बाकी एक और चार सॉरी दो और चार दो और चार एकदम राइट है यानी एक और तीन गलत है त्यागराज के अनेक नए रागों का सृजन किया था ये सही है बच्चों ठीक है चले आगे चलिए फटाफट फटाफट -फड़, -फड़ करिए आपको पता बच्चों त्यागराज कहां के थे तमिलनाडु के तंजावुर के रहने वाले थे ठीक है त्यागराज कहां के थे तमिलनाडु के तंजावुर के रहने वाले थे ये चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है अगला क्वेश्चन है भारत की धार्मिक प्रथाओं के संदर्भ में स्थानकवासी संप्रदाय का संबंध किससे है वासी संप्रदाय का संबंध किससे बच्चों वासी संप्रदाय वेरी गुड वेरी गुड चलिए फटाफट फटाफट फड़, आंसर फड़ करिए मनीष सिंह वासी संप्रदाय देखिए इसका आंसर होगा अभी तक किसी ने सही आंसर नहीं किया बी हाँ बी आंसर राइट आंसर है ये जैन मत का है बच्चों ये किसका है जैन मत से है और आपको पता है ये सत्रहवीं सदी में सत्रहवीं सदी में इस संप्रदाय का विकास किया गया था ठीक और इस संप्रदाय का विकास किया था किसने लव जी ने किसने किया था बच्चों लव जी ने इसका विकास किया था और इसकी जो मान्यता थी कि ये मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं करता था मूर्ति पूजा विश्वास नहीं करते थे बच्चों मूर्ति पूजा का विरोध मूर्ति पूजा का ये क्या करते थे विरोध करते थे ठीक है और निराकार ईश्वर को मानते थे यानी इनका मानना था कि ईश्वर क्या है निराकार है इनका मानना था कि ईश्वर क्या है बच्चों निराकार ईश्वर में इनका विश्वास था ठीक है वेरी गुड फटाफट करिए बच्चों निराकार ईश्वर में इनका क्या था विश्वास था ठीक अगला क्वेश्चन अगला क्वेश्चन है भारत के सांस्कृतिक इतिहास के, के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए फतेहपुर सिकरी स्थित बुलंद दरवाजा तथा खानका के निर्माण में सफेद संगमरमर का प्रयोग किया गया लखनऊ स्थित बड़ा इमाम बाड़ा और रूमी दरवाजा के निर्माण में बलुआ पत्थर और संगमरमर का प्रयोग हुआ क्या इसमें सही बच्चों चलिए फटाफट फटाफट आगे बढ़िए आगे बढ़िए फटाफट करिए आरआरबी राहुल जैन भारती मानू बच्चों एक बार लाइक एंड शेयर तो कर दो लाइक एंड शेयर कर दो बच्चों फटाफट ये क्लास अभी तीन चार दिन इसी टाइम पे रहेगी चूंकि चार अक्टूबर के पॉइंट ऑफ व्यू से बच्चों का प्रैक्टिस करा दें जो कुछ क्लासें प्रैक्टिस हो जाएंगे बच्चों यहां पर चलिए देखिए तो इसमें आपका डी विकल्प सही होगा अर्चना पटेल नहीं बच्चों अखिलेश यादव जी ये क्लास अभी आपको कंटिन्यू रहेगी चार अक्टूबर से पहले तक बच्चों चार अक्टूबर से पहले तक ये क्लास रहेगी ठीक है और आपके लिए हमने अनाउंसमेंट कर दिया है आज शाम को स्लाइड आपको दिखेगी तो इसमें न तो एक सही है न तो दो सही है क्योंकि आपको पता है फतेहपुर सिकरी स्थित बुलंद दरवाज़ा और खानका खानका मतलब होता है सूफी संतों का आवास खानका मतलब क्या होता है बच्चों सूफी संतों का आवास सूफी संतों का आवास है ठीक है खान का और फतेहपुर सिकरी में किस सूफी संत का आवास था बच्चों शेख सलीम चिश्ती का किसका था शेख सलीम चिश्ती साहब का था किसका था आवास बच्चों शेख सलीम चिश्ती का था ठीक है अब देखिए कहते हैं अकबर के समय आप सभी को पता है कि अकबर ने अपनी इमारतों के निर्माण में लाल बलुआ पत्थर का उपयोग किया है कौन सा पत्थर उपयोग किया लाल बलुआ पत्थर का उपयोग किया है ठीक तो सीधी सी बात है कि यहाँ पर भी लाल बलुआ पत्थर का ही उपयोग हुआ है तो ये तो एकदम गलत हो जाएगा ठीक और लखनऊ स्थित इमाम बाड़ा जो है और रूमी दरवाजा दोनों बहुत फेमस है बच्चों आसफ ने बनवाया था ठीक और यहाँ पर आपको याद होगा यहाँ पर बालू और ईंट का उपयोग किया गया है ईंट बालू का उपयोग करके इसे बनाया गया है ईंट एवं बालू का उपयोग करके लखनऊ का इमाम बाड़ा और रूमी दरवाजा बनाया गया है तो यह भी आपका क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा ठीक है अर्पित चले आगे अगला क्वेश्चन अगला क्वेश्चन बच्चों भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन भावी बुद्ध जो संसार की रक्षा कौन भावी बुद्ध बच्चों जो संसार की रक्षा हेतु अवतरित होंगे संसार की रक्षा हेतु अवतरित होंगे कौन से बच्चों भावी बुद्ध हैं चलिए फटाफट फड़ करिए फटाफट फड़। भावी बुद्ध कौन से हैं अभी भी राइट आंसर नहीं सॉरी हाँ अर्पित गुप्ता अर्पित गुप्ता ने अभी भी रॉन्ग आंसर दिया है सही आंसर अभी तो नहीं आया है राइट आंसर बच्चों अभी भी नहीं आया हमारे पास देखिए आप सभी लोगों को पता है यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सोनी देवी रेशमा बच्चों ये बहुत आसान क्वेश्चन है मैत्रेय मैत्रेय को बुद्ध का आगामी अवतार माना जाता है ठीक है ये बुद्ध के आगामी अवतार है बच्चों जो आने वाले समय में लेंगे यह बुद्ध का आगामी अवतार माना गया है ठीक है मैत्रेय जब पृथ्वी पर पापों की संख्या बढ़ेगी बच्चों तब भगवान बुद्ध जो है मैत्रेय का उतार लेंगे ठीक कौन सा अवतार मैत्रेय का उतार वेरी गुड अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित पर विचार कीजिए पुथुकुली शाल तमिलनाडु सुजनी कढ़ाई उपाडा जामदानी साड़ी चलिए सुमिलित करिए फटाफट करिए फटाफट क्या आंसर होगा इसका क्या आंसर होगा बच्चों उपाडा जामदानी साड़ी चलिए फटाफट फड़। अभी भी राइट आंसर किसी का नहीं आया है किसी का राइट आंसर नहीं आया रेशमा जी सलेन्द्र सोनी देवी किसी का अभी तक राइट आंसर नहीं आया ऐसे पढ़ाई होगी बच्चों आपको पता है केवल इसमें ए सही है विकल्प नंबर एक सही है आपको पता है पुथुकौडी शाल ये पूरी तरह कहाँ बनाई जाती है तमिलनाडु में बनाई जाती है बच्चों ठीक तमिलनाडु में बनाई जाती है सुजनी कढ़ाई ये महाराष्ट्र में नहीं बल्कि कहाँ बनती है ये बिहार में बनती बच्चों सुजनी इसको सुथनी कह सकते हैं सुजनी ठीक ये कहाँ बनती बिहार में और उपाडा जामदानी साड़ियां जो है बच्चों ये आंध्र प्रदेश में बनती हैं कहाँ बनती हैं ये आंध्र प्रदेश में बनती हैं तो आपका यह गलत हो जाएगा ठीक है तो आंसर क्या हो जाएगा राइट आंसर केवल ए है ध्यान दीजिएगा केवल ए राइट आंसर बच्चों अगला निम्नलिखित पर विचार कीजिए चपचार कुट त्योहार मिजोरम खुंगजाम परबा गाथा गीत मणिपुर थांगटा नृत्य सिक्किम कौन सा इसमें सही बच्चों चलिए फटाफट फटाफट आंसर करिए कौन सा इसमें सही है चलिए वेरी गुड वेरी गुड चलिए वेरी गुड बच्चों देखिए अभी तक राइट आंसर नहीं आया है अखिलेश जी बी वेरी गुड सोनी देवी ने राइट आंसर किया है सोनी देवी आपने राइट आंसर किया बच्चों ये आपका बी इसका राइट आंसर है एक और दो बच्चों क्या है सही है देखिए जो चपचार त्योहार है चपचार त्योहार बच्चों चपचार कुट इसको दो नाम और हैं एक है मिमकुट मिमकुट चपचारकुट ये मिजोरम के त्यौहार हैं और ये फसल से जुड़े हुए त्यौहार हैं बच्चों फसल से जुड़े हुए त्यौहार हैं यानी फसल चक्र से जुड़े हुए त्यौहार हैं लेकिन ध्यान रखिएगा कि भारत में बहुत सारे ऐसे त्यौहार हैं जैसे बीहू है जैसे, जैसे बैसाखी है जैसे पोंगल है ये वो त्यौहार हैं बच्चों जो फसल कटाई के बाद मनाए जाते हैं फसल कटाई के बाद ये सेलिब्रेट होते हैं लेकिन चपचार कुट त्योहार जो मिजोरम में है ये फसल बोने के पहले मनाया जाता है फसल बोने से पहले जो खाली टाइम होता है किसानों के लिए फसल बोने से पहले फसल बोने से पहले इसे मनाते हैं फसल बोने से पहले मनाते बच्चों ध्यान रखिएगा ये तो इसे मिमकुट पार्वती यहां पर एक नाम और है बच्चों पार्वती कुट भी है और चपचार कुट तीन नाम है तीनों जो है कहां के हैं आपके मिजोरम के हैं और खुंगजाम पारवा गाथा गीत ये मणिपुर में है बच्चों इसमें ये गायन शैली होता है और ढोल का इसमें बहुत बेहतर वाद्य यंत्र के रूप में उपयोग होता है ढोल आप जानते होंगे बच्चों ढोल ढोल का उपयोग बहुत बेहतर होता है इसमें ढोल का उपयोग जो है बहुत बेहतर तरीके से इसमें किया जाता है ठीक है और गायन शैली का उपयोग होता है खोमजांग पार्बा गाथा गीत गाथा गीत देखिए नाम ही लिखा हुआ है गाथा गीत तो ये गायन शैली से जुड़ा हुआ है थांगटा थांगटा नृत्य जो है ये सिक्किम का नहीं है ये बच्चों कहां का है ये मणिपुर का है ये भी कहां का है मणिपुर का है और थांग देखिए कहते थांग माने होता है तलवार थांग माने क्या होता है तलवार और टा माने होता बच्चों बरछी ये भी एक युद्ध अस्त्र है बरछी टा माने बरछी यानी तलवार और बरछी ये दोनों का इस नृत्य में उपयोग किया जाता है ये नृत्य है तो तलवार और बरछी दोनों ये युद्ध अस्त्र हैं तो इसका मतलब है कि ये युद्ध ये कैसी शैली है नृत्य की ये युद्ध नृत्य शैली है थांगटा जो है बच्चों तो ये कैसी शैली है ये युद्ध नृत्य शैली है और कहा प्रचलित है मणिपुर में कहा प्रचलित है मणिपुर में क्यों क्योंकि थांग माने तलवार और टा माने बर्छी ठीक है क्लियर हुआ कोई डाउट क्लियर हुआ बच्चों आगे चलें। चले चलिए आगे चलते हैं अगला है ऋग्वेद कालीन नर्यो और सिंधु के लोगों की संस्कृति के बीच क्या अंतर संबंध है चलिए फटाफट फटाफट फड़, फड़ करिए फटाफट फड़ करिए क्या अंतर है बच्चों वेरी गुड क्या आंसर होगा इसका अभी तक राइट right आंसर नहीं आया है शैलेश कुमार शिव शंकर गुप्ता माही रिचार्य री अखिलेश जी चलिए क्या आंसर होगा अभी तक किसी ने आंसर नहीं दिया है देखिए बच्चों इसमें सी आंसर होगा इसमें एक और तीन सही है इसमें एक और तीन सही है बच्चों देखिए इसमें एक और तीन सही है पहला सही है ऋग्वैदिक कालीन नर्य कवच और श्राण का उपयोग करते थे हेलमेट का बच्चों क्योंकि आपको पता है कि ऋग्वैदिक काल में रथ और घोड़े का उपयोग बच्चों युद्ध में किया जाता था ठीक है रथ और घोड़े का उपयोग ये लोग करते थे तो कवच का उपयोग आर्यों द्वारा बच्चों कवच और मुकुट का उपयोग किया गया है जबकि सिंधु सभ्यता में इस तरह के हमें कोई प्रमाण दिखाई नहीं देते हैं ठीक है जबकि सिंधु सभ्यता में इस तरह का हमें कोई भी प्रूफ नहीं दिखता बच्चों ठीक दूसरे में कह रहा है ऋग्वेदिकालीन आर्य कालीन आर्यों को स्वर्ण चांदी और तांबा नहीं बच्चों ये पूरी तरह से गलत है क्योंकि चांदी का तो नाम आता बच्चों चांदी के लिए सतनाम शब्द आया है चांदी के लिए सतनाम शब्द आया है ऋग्वेद में और निष्क शब्द भी आया है निष्क माने सोना ठीक लेकिन कुछ लोगों ने इसे गले का हार बताया है लेकिन तांबे का उपयोग बच्चों नहीं आया है ठीक तो ये आपका गलत हो जाएगा यानी दो आपका गलत हो जाएगा ऋग्वेदिक काली आरियो ने घोड़े को पालतू बना लिया था जबकि इस बात का कोई साक्ष्य नहीं है कि सिंधु सभ्यता के लोग इसे पशु मानते थे बच्चों ध्यान रखिएगा सिंधु सभ्यता में कुछ स्थलों से जैसे सुरकोटदा सुरकोटदा से हमें घोड़े के अवशेष मिले हैं ठीक लेकिन अभी तक ये नहीं प्रूफ हो पाया है कि यहां के लोग पूरी तरह से क्या थे घोड़े से पर्च, मैंने परिचित थे तो आपका एक और तीन सही हो जाएगा यानी सी विकल्प आपका राइट विकल्प होगा ठीक है सी आपका राइट होगा अगला है मणिपुरी संकीर्तन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए यह गीत और नृत्य का प्रदर्शन है केवल करताल ही एकमात्र वाद्य यंत्र है जो इस प्रदर्शन में प्रयुक्त होता है यह भगवान कृष्ण की जीवन लीलाओं से वर्णित है कौन सा आंसर होगा इसमें बच्चों कौन सा आंसर होगा फटाफट करिए क्या आंसर होगा बच्चों पता है आपको चलिए फटाफट फटाफट फड़, फड़ आंसर करिए अभी आप लोग पीछे हैं लग रहा है चलिए देखिए इसमें बच्चों आपका बी विकल्प राइट आंसर होगा बी इसका राइट आंसर होगा देखिए बी वेरी गुड बी राइट आंसर होगा देखिए बच्चों ये नृत्य और गीत दोनों से युक्त तो होता बच्चों ये मणिपुर के मैदानी क्षेत्रों में मणिपुर के मैदानी क्षेत्रों में मनाया जाता बच्चों मणिपुर के मैदानी क्षेत्र में इसका प्रयोजन किया जाता है ठीक और आपको पता है ये भगवान कृष्ण की लीलाओं से जुड़ा है ये भी सही है लेकिन यहाँ पे जो कहरा वाद्य यंत्र करताल का उपयोग होता है करताल का नहीं बच्चों बल्कि ढोल का उपयोग होता है इसमें उपयोग किसका होता है ढोल का ठीक यानी जैसे सामान्य रूप से आपको पता है कि भाई संकीर्तन में करतालों का उपयोग होता है ठीक लेकिन यहां पर जस्ट अपोजिट है यहां पर ढोल का उपयोग होता है ठीक है तो ये आपका गलत हो जाएगा भारत के धार्मिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए सौत्रांतिक और सम्मिती जैन मत के संप्रदाय है सर्वास्तवादियों की मान्यता है कि दिग्विषय फेनोमिना यानी जो दिखाई दे हमें कि अवयव पूर्णतः क्षणिक नहीं है अपितु अव्यक्त रूप में सदैव विद्यमान रहते हैं उपर्युक्त में से कौन सा कथन सही है वैभाषिक सौत्रांतिक बच्चों चलिए फटाफट फटाफट -फड़, -फड़ करिए बहुत आसान है ये सलेश कुमार शिवशंकर अखिलेश क्या आंसर होगा बच्चों इसका देखिए इसमें केवल आपका बी आंसर राइट है केवल बी आंसर राइट होगा बच्चों बी आंसर क्यों राइट होगा क्योंकि ये दोनों जैन मत से नहीं किससे हैं बच्चों बौद्ध मत से है ये दोनों किस धर्म से हैं? ये बौद्ध मत से संबंधित है ठीक है और सर्वास्थवादियों का ये मान्यता है कि ये सही मानते बच्चों इनका मानना है कि जो चीजें हमें इंद्रियों के द्वारा दिखती हैं वो पूर्णता क्षणिक नहीं है बच्चों केवल जो है वो या है अव्यक्त है ठीक है हम उनकी व्याख्या नहीं कर पाए हम उनको जान नहीं पाए हैं ये सच है लेकिन वो पूर्णतः क्षणिक नहीं है ये पूरी तरह से सही स्टेटमेंट है बोधिशत्व पदम्पाणी का चित्र सर्वाधिक प्रसिद्ध और प्रायः चित्रित चित्रकार है जो कहाँ पर है बच्चों बोधिशत्व का चित्र कहाँ पर बना हुआ है चलिए फटाफट आंसर करिए बहुत सिंपल क्वेश्चन है बोधिसत्व का चित्र कहाँ पर बना हुआ है वेरी गुड ए शिवशंकर गुप्ता ने राइट आंसर किया है ये कहां है बच्चों अजंता में अजंता को आपने डिटेल से पढ़ा है यह कहां पे है अजंता में है ठीक है निम्नलिखित पर विचार कीजिए परंपराएं चलिहा साहिब उत्सव सिंधियों का है नंदा राज जात यात्रा बारी बारकरी ठीक है कहां पे प्रचलित है बच्चों कौन कौन सा इसमें सही है चलिए फटाफट फटाफट -फड, -फड करिए फटाफट -फड लाइक करिए फटाफट -फड करिए वेरी गुड वेरी गुड अर्चना पटेल ने राइट आंसर किया है अपूर्वा गोस्वामी माही रिचारिया अभी आप लोग पिछले क्वेश्चन पे हो वेरी गुड देखिए इसमें बच्चों एक और देखिए इसमें केवल एक सही है केवल एक सही बच्चों केवल एक सही है उसका रीजन है आरआरबी आरबी राहुल जैन ने सही बताया है रीजन है बच्चों ये चलिया साहब उत्सव ये सिंधी समुदाय में आपके महाराष्ट्र के क्षेत्र में मनाया जाता है ये कहां मनाते बच्चों महाराष्ट्र में सिंधियों के द्वारा मनाया जाता है सिंधी समुदाय के द्वारा ठीक है और नंदराज जात यात्रा ये आपके उत्तराखंड में मनाया जाता है ये कहा मनाते हैं ये बच्चों उत्तराखंड में मनाया जाता है ठीक दूसरा बरकरी संप्रदाय आपको याद है ये भी बरकरी संप्रदाय कहाँ है महाराष्ट्र महाराष्ट्र में एक देवता है जिनका नाम है बच्चों बिठोवा ये यहाँ के मुख्य देवता है बिठोवा ठीक और बरकरी संप्रदाय की स्थापना भी कहाँ की गई थी महाराष्ट्र में की गई थी बच्चों तो ये केवल एक सही होगा बाकी सब क्या हो जाएंगे गलत हो जाएंगे ठीक है अगला निम्नलिखित में से कौन सा सूर्य मंदिरों के लिए विख्यात है सूर्य मंदिर के लिए कौन सा विख्यात है बच्चों आरसवल्ली अमरकंटक ओंकारेश्वर चलिए वेरी गुड बहुत अच्छा क्वेश्चन है कौन सा केवल सूर्य मंदिर के लिए विख्यात है वेरी गुड चलिए देखिए देखिए इसमें आपका केवल एक सही है यानी ए विकल्प राइट होगा क्योंकि असरवल्ली असरवल्ली में ही बच्चों सूर्य मंदिर है असरवल्ली यहीं पर सूर्य मंदिर है और यह असरवल्ली कहां है आंध्र प्रदेश में असरवल्ली कहां है आंध्र प्रदेश में आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम जिले में कौन सा जिला श्रीकाकुलम श्रीकाकुलम जिले में है बच्चों ये तो असरवल्ली में हालांकि आपके उड़ीसा में भी सूर्य मंदिर है आपके राजस्थान में भी सूर्य मंदिर है बच्चों ठीक है तो केवल एक सही है अमरकंटक के बारे में जान लीजिए अमरकंटक बच्चों आपके कहां है यमपी में है अमरकंटक यमपी में है और यहां पर जैन मंदिर है अमरकंटक में कौन से मंदिर बच्चों जैन मंदिर है यह ध्यान रखिएगा और ओंकारेश्वर ओंकारेश्वर बच्चों ये सतपुड़ा और बिंद के नीचे यमपी में ये भी है ओंकारेश्वर और यहां पर बच्चों शैव मंदिर है कौन से मंदिर है शैव मंदिर है यह आपके ज्योतिर्लिंगों में एक है बच्चों आपके ज्योतिर्लिंगों में क्या है एक है अगला है मध्यकालीन भारत के सांस्कृतिक इतिहास के, के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए तमिल क्षेत्र के सिद्ध एकेश्वर थे तथा मूर्ति पूजा की निंदा करते थे कन्नड़ क्षेत्र के लिंगायत पुनर्जन्म के सिद्धांत पर प्रश्न लगाते थे तथा जाति अधिकतम को अस्वीकार करते थे क्या आंसर होगा इसका शलेश जी सोनी देखिए बच्चों इसमें आपका बी नहीं इसमें सी सही है इसमें तीनों विकल्प सही हैं दोनों विकल्प सही है बच्चों ठीक भाई देखिए सिद्ध नाम आने से ही आपको पकड़ लेना चाहिए ठीक है इसका दो आंसर सही है यानी सी सही है इसका दोनों सही है इसमें दोनों विकल्प सही हैं अगला है भारत के धार्मिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए बोधिसत्व बौद्ध मत के हीनयान संप्रदाय की केंद्रीय संकल्पना है बोधिसत्व तो अपने प्रबोध के मार्ग पर बढ़ता हुआ करुणामय है बोधिसत्व समस्त सचेतन प्राणियों को उनके प्रबोध के मार्ग पर चलने में सहायता करने के लिए स्वयं की निर्बाध प्राप्ति विलंबित करता है अभी मैंने इसकी व्याख्या किया था और उम्मीद है आप लोग इसका आंसर दे देंगे ठीक है फटाफट करिए इसका आंसर आसान है चलिए भारती सिंह क्या आंसर होगा सोनी क्या आंसर होगा बच्चों इसका देखिए इसमें साफ़ साफ़ बच्चों आपको पता है कि बोधशत् तो बौद्ध मत के हीनयान नहीं बल्कि महायान शाखा का है तो ये तो आपका सीधे सीधे गलत हो जाएगा ये महायान शाखा से संबंधित है ठीक है तो इसमें केवल आपका दो और तीन सही होगा अगर एक गलत है तो यह भी गलत हो गया एक गलत है तो यह भी गलत हो गया ठीक है तो इस तरह आपके एग्जाम में भी इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन मिलते हैं अब फिफ्टी फिफ्टी में चांसेज बन रहा है ऐसे क्वेश्चन को एग्जाम में कभी मत छोड़िएगा जहां पर फिफ्टी फिफ्टी का कंफ्यूजन रहे बच्चों तो इसमें आपका बी विकल्प आपका राइट हो जाएगा बी आपका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों अगला है अजंता और महाबलीपुरम के रूप में ज्ञात दो ऐतिहासिक स्थानों को कौन सी बात कौन सी बातें समान है देखिए अभी तो ये बैक के क्वेश्चन को रिपीट करा रहे हूं बच्चों और इतिहास के कुछ नए क्वेश्चन इसी टाइम पर आपको मिलेंगे आर्ट एंड कल्चर के नए क्वेश्चन न्यू क्वेश्चन आपको यहीं पर मिलेंगे इसी टाइम पर देखिए बच्चों आप इसमें क्या आंसर होगा वेरी गुड शिवानी ने राइट आंसर किया केवल बी भाई दोनों अलग अलग टाइम पीरियड के हैं ठीक है अजंता आपका दूसरी बी का है 200 सौ बी का है अजंता बच्चों और जबकि महाबलीपुरम जो है ये 700 सौ ईस्वी का है ए का तो दोनों अलग अलग टाइम के हैं तो ये गलत हो जाएगा ठीक है दोनों एक ही धार्मिक संप्रदाय के हैं ये भी गलत है अजंता आपके बौद्ध धर्म से है और आपके महाबलीपुरम ये हिंदू धर्म से है तो ये भी गलत दोनों पत्थरों पर बने हैं ये सही है केवल आपका तीन सही बच्चों केवल आपका क्या है तीन सही है वेरी गुड वेरी गुड अगला क्वेश्चन हाल ही में निर्मित निम्नलिखित में से किस भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया बच्चों शास्त्रीय भाषा का दर्जा किसे दिया गया शास्त्रीय भाषा का, का दर्जा किसको प्राप्त हुआ है अखिलेश जी कौन सी क्या आंसर होगा फटाफट आंसर करिए अभी तक आंसर नहीं आया देखिए ए इसका राइट आंसर है उड़िया को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया अभी तक कितनी भाषा हो गई छः ठीक है उड़िया को दिया गया बच्चों उड़िया को यानी तमिल है तेलुगु है मलयालम है कन्नड़ है संस्कृत है और उड़िया है ये आपकी शास्त्रीय भाषाएं हैं अगला श्री शैलम नलमलाई पहाड़ियाँ ओंकारेश्वर सतमाला पहाड़ियाँ पुष्कर महादेव पहाड़ियाँ क्या आंसर होगा इसका चलिए क्या आंसर होगा बच्चों आंसर होगा वेरी गुड चलिए बच्चों इसमें केवल हाँ आरबी राहुल ने सही आंसर किया केवल एक सही है ठीक श्री शैलम ये बच्चों तमिलनाडु में है ठीक ये कहाँ है तमिलनाडु में श्री शैलम कहाँ है तमिलनाडु सॉरी आंध्र प्रदेश में है माफ करिएगा ये आंध्र प्रदेश में बच्चों ठीक आंध्र प्रदेश में नल्ला मलाई पहाड़िया में है अब देखिए ओंकारेश्वर आपका कहाँ है यमपी में जबकि सतमाला पहाड़ियाँ कहाँ है महाराष्ट्र में तो ये गलत हो जाएगा सतमाला पहाड़ियां महाराष्ट्र में पड़ती हैं दक्षिणी महाराष्ट्र पुष्कर आपका कहां है राजस्थान में <स्थाँ> पुष्कर राजस्थान में है महादेव की पहाड़ियां कहां हैं? यमपी में तो यह भी गलत हो जाएगा भाई पुष्कर जो है आपकी अरावली श्रेणी पर है अरावली श्रेणी अरावली श्रेणी पर पड़ेगा बच्चों तो यह आपके क्या हो जाएंगे गलत हो जाएगा यानी केवल एक सही है केवल एक सही है भारत के कला और पुरातात्विक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस एक का सबसे पहले निर्माण किया गया कौन सबसे पहले बना इसमें कौन सबसे पहले बना बच्चों शिवशंकर नहीं गलत है सुमंगल जी ने सही आंसर किया है धावली धावली बच्चों कहाँ है ये आपके उड़ीसा में है कहाँ पर है उड़ीसा में उड़ीसा में पत्थर का बना हाथी किसने बनवाया था अशोक ने बनवाया था बच्चों आपको याद होगा अशोक ने यहाँ पर एक दीर्घ शिलालेख लगवाया था ठीक तो मौर्य वंश सबसे पहले है भुवनेश्वर स्थित जो लिंगराज मंदिर है ये ग्यारहवीं सदी के बने है। ये हैं ये कब के हैं ग्यारहवीं सदी के हैं महाबलीपुरम शैलकृत मंदिर ये सातवीं आठवीं सदी के हैं और उदयगिरी का बारह मंदिर ये गुप्त काल में बना बच्चों पाँचवीं सदी का है ठीक है तो ये आपका यम में है उदयगिरी की पहाड़ियाँ मध्य प्रदेश और उड़ीसा दोनों स्थानों पर हैं ध्यान रखिएगा तो ये आपके गुप्तों के द्वारा बनवाया गया है बारह मूर्ति और महाबलीपुरम यह आपके पल्लव शासकों का देन है सातवीं सदी और यह सबसे पहले हो जाएगा अशोक के द्वारा ठीक है चलिए अगला क्वेश्चन कलमकारी चित्रकला निर्दिष्ट करती बच्चों कलमकारी चित्रकला क्या है बहुत 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 इंपॉर्टेंट है कलमकारी चित्रकला कलमकारी यानी कलम से की जाने वाली कलाकारी कलम से की जाने वाली कलाकारी है बच्चों चलिए देखिए बच्चों ये मूल रूप से दक्षिण भारत में हाथ से की जाने वाली एक कलाकारी है ये कैसी कलाकारी है ये हस्त कलाकारी है हस्त कला का अंग है बच्चों इसमें कलम से सूती कपड़े पर कैसे कपड़े पर बच्चों सूती कपड़े पर सूती सूती कपड़ों पर नेचुरल रंगों से यानी प्राकृतिक रंगों से बच्चों कलाकारी की जाती है और कलम का उपयोग किया जाता है इसमें इसलिए इसे कलमकारी कहते हैं और ये मूल रूप से आपके आंध्र प्रदेश क्षेत्र में प्रचलित है पर प्रचलित है बच्चों आंध्र प्रदेश क्षेत्र में कलमकारी चित्रकला ठीक है अगला है सक संबद्ध पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग एक चैत्र ग्रिगेरियन कैलेंडर पर आधारित 365 दिन के सामान्य वर्ष की निम्नलिखित तिथियों में से किस के रूप है हिंदी का महीना कहां से शुरू होता है सबको बताना पड़ेगा यह हिंदी का मंथ कहां से शुरू होता बच्चों हिंदी का माह कहां से शुरू होता है हिंदी माह कहाँ शुरू होता है अरे भाई सबको पता है चैत्र मास ठीक है 22 मार्च इक्कीस मार्च से शुरू होता है और पहला महीना हिंदी का कौन सा होता है चैत्र होता है ठीक है यहां से शुरू होता है आपका ग्रेगेरियन कैलेंडर सखसंबत सक संबत्त संबत कब है अठहत्तर ईस्वी आपका ग्रेगोरियन कैलेंडर किस पे आधारित है शक संबद्ध पर आधारित है लास्ट क्वेश्चन बच्चों फतेहपुर सिकरी का इबादत खाना क्या था फतेहपुर सिकरी जिसे किसने बनाया था बच्चों इसे फतेहपुर सिकरी में इस इबादत खाने की स्थापना पंद्रह सौ पचहत्तर में अकबर के द्वारा की गई थी किसके द्वारा किया गया था बच्चों अकबर के द्वारा ठीक है तो क्या आंसर होगा इसका कम से कम लास्ट आंसर सही आना चाहिए एकदम लास्ट आंसर एकदम राइट आना चाहिए वेरी गुड क्या आंसर होगा बच्चों इसका हरेंद्र जी हरेंद्र मिश्रा <coughs> गलत है अभी तक राइट आंसर किसी का नहीं आया है ठीक है देखिए बच्चों इसका लास्ट आंसर होगा डी आंसर ठीक है आपको पता है अकबर एक अनपढ़ बादशाह था लेकिन वह सभी धर्मों की वास्तविकता को जानना चाहता था इसलिए उसने इबादत खाने की स्थापना करी जिसमें सभी धर्मों के लोग नहीं बच्चों माफ करिएगा इसमें नहीं नहीं सी आंसर होगा बच्चों इसका सी आंसर होगा सी इसका राइट आंसर होगा ठीक है मैंने ध्यान नहीं दिया माफ करिएगा इसका सी आंसर होगा ठीक सॉरी इसका सी आंसर होगा बच्चों सी इसका राइट आंसर ठीक सभी धर्मों को जानने के लिए इसने एक भवन बनवाया था जिसमें सभी धर्मों से संबंधित लोग यहां पर क्या होते थे इकट्ठा होते थे तो ये बच्चों चूंकि अभी बैक ईयर का क्वेश्चन यहां पर हमने कराया आर्ट एंड कल्चर का ठीक अब आर्ट एंड कल्चर का कुछ नया क्वेश्चन जो चार अक्टूबर को एग्जाम दे रहे हैं उन बच्चों के लिए काफी यूजफुल होगा ठीक और आप लोगों के लिए भी होगा बच्चों ठीक है तो चलिए फटाफट आप लोग रेडी हो जाइए और आपको पता है कि ये आंसर की लगा हुआ है लास्ट में बच्चों आपको पता है कि हमारा बैच आज स्टार्ट हो रहा है 25 सितंबर से तो जो बच्चे प्लस कोर्स लेना चाहते हैं वो यहाँ पर जुड़ सकते हैं कोड हमारा बच्चों एस के वाई लाइव ये हमारा कोड है इस कोड के थ्रू आप जो है प्लस प्लेटफॉर्म ज्वाइन कर सकते हैं ठीक है चूंकि पता है फीसेस बढ़ने वाली है तो फटाफट आज जो है अपने कोर्स को ज्वाइन करिए ठीक है तो थैंक यू बच्चों यहाँ से फिर हम मिलते हैं शाम को आठ बजे की क्लास में और रात को दस बजे की क्लास में ठीक है थैंक यू बच्चों थैंक यू सभी को हमारी तरफ से थैंक यू